वैसे तो मर चुके लोगों के शरीर को या तो जला दिया जाता है या फिर उन्हें दफना दिया जाता है, लेकिन कई देशों में गुजर चुके लोगों के अंगों को सहेज कर रखने का भी चलन है। आज हम आपको दुनिया के उन तीन वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके शरीर के अंगों को सैकड़ों साल से सहेज कर रखा गया है। इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और कई जरूरी आविष्कार भी किए हैं। इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम आपने सुना ही होगा, वो एक महान आविष्कारक थे। उन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी एक उंगली, अंगूठा और रीढ़ की एक हड्डी को इटली के फ्लोरेंस शहर में स्थित संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी 100 से इन अंगों को वर्ष 1737 में उस वक्त निकाल लिया गया था जब उनकी 100 को एक कब्र से दूसरी कब्र तक ले जाया जा रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता है। उन्हें सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उनकी मौत के बाद साल 1955 में उनकी आंखें निकालकर न्यूयॉर्क में एक सेफ में रख दी गई थी। इसके अलावा उनके दिमाग को भी निकाल लिया गया था और उस पर सालों तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था यह जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या था उनके दिमाग में कि वो इतने महान वैज्ञानिक थे। लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और कैमरे का आविष्कार करने वाले महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो। थॉमस एडिसन के शरीर के किसी अंग को तो नहीं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई आखिरी सांस को जरूर कैद करके सुरक्षित रखा गया है। उनकी आखिरी सांस को एक परख नदी में अमेरिका के मिशिगन शहर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।